हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको किसी रिकवरी एजेंट से डरने की ज़रूरत है। अक्सर लोगों का सवाल हमारे पास आता है कि हमने किसी बैंक से या एनबीएफसी से लोन लिया था और अब हम कोरोना की वजह से या किसी और कारण से टाइम पर अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं और वो रिकवरी एजेंट्स हमें बार बार कॉल करते हैं, घर आकर धमकाते हैं या किसी रिलेटिव या नेबर को कॉल करके ये बताते हैं कि हमने उनकी ईएमआई टाइम पर नहीं दी है और अब उन्हें ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो क्या आपको ऐसे किसी रिकवरी एजेंट से डरने की ज़रूरत है? आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि रिकवरी एजेंट्स कॉल कर धमका रहे हैं, घर में ज़बरदस्ती घुस आए हैं या फिर किसी रिलेटिव को कॉल कर हमें परेशान कर रहे हैं और हम अभी तक अपनी ईएमआई टाइम पर दे रहे थे लेकिन अब कोरोना की वजह से या किसी और आर्थिक परेशानी की वजह से हम टाइम पर ईएमआई नहीं दे पाए हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी ईएमआई टाइम पर नहीं दे पाते हैं तो क्या रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं? नहीं, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता। अगर आप अपना लोन का अमाउंट टाइम पर नहीं पे कर पाए हैं तो ये एक सिविल सूट बनता है, ये एक सिविल रॉन्ग है, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है और कोई भी रिकवरी एजेंट या बैंक का कोई एम्प्लॉई आपके साथ गाली गलौज करता है, ज़बरदस्ती आपके घर में घुस आता है तो ऐसे रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ आप पुलिस के पास जा सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इन रिकवरी एजेंट से परेशान होकर सुसाइड तक किया है और इसीलिए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको इस तरीके से परेशान करता है तो आप 100 नंबर पर फ़ोन कीजिए अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है और पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती है तो आप 156(3) में भी इन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं। आप वकील की सहायता से 156(3) का केस डालिए और इनके खिलाफ एफआईआर के लिए कंप्लेंट कीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी रिकवरी एजेंट ज़बरदस्ती आपके घर में घुस आता है तो आप ट्रेसपासिंग की भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कोर्ट में जाकर इंजंक्शन सूट डाल सकते हैं, यानी कि आप कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि किसी भी रिकवरी एजेंट को या बैंक के एम्प्लॉयज़ को आपके घर में ना आने दिया जाए, उनको रोका जाए, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि वो आपके घर में ना घुसे। और अगर बैंक आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना भी चाहते हैं तो वो आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखवा सकते अनलेस कि आपने कोई जाली दस्तावेजों के आधार पर या किसी और गलत तरीके से कोई लोन ना लिया हो, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल रॉन्ग है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके खिलाफ बैंक जो है या फिर कोई भी एनबीएफसी है वो आपके खिलाफ कोर्ट में रिकवरी सूट डाल सकती है, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं करवा सकती। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि क्या बैंक वाले हमें जेल में बंद करवा सकते हैं, क्या हमें सज़ा हो जाएगी, हम जेल चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। रिकवरी सूट जो होता है वो सिविल नेचर का होता है और कोर्ट में केस चलता है, आपको वक्त दिया जाता है, कोर्ट कोशिश करता है कि आपके बैंक के बीच समझौता हो जाए और आपको थोड़ा टाइम दे दिया जाता है अगर आपके पास जेन्युइन रीजंस हैं कि आप पे कर देंगे। आपने अगर कोई जालसाजी नहीं की और आपके इंटेंशंस क्लियर हैं तो कोर्ट आपको सज़ा नहीं देता है। तो अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है तो आप पुलिस की मदद लें, अगर पुलिस मदद नहीं करती है तो किसी वकील की सहायता से कोर्ट में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं, बैंकिंग ओवर्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं कि रिकवरी एजेंट्स किस तरीके से आपको हैरेस कर रहे हैं। इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है कि आप अपने अधिकारों को जानें कि कोई भी बैंक का अधिकारी या रिकवरी एजेंट आपके घर में घुसकर आपके खिलाफ कोई भी कार्य नहीं कर सकता, आपको इस तरीके से हैरेस नहीं कर सकता।
इसके अलावा अक्सर लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि हमारे नेबर्स को कॉल कर दिया है, या फिर हमारे रिलेटिव्स को कॉल कर रहे हैं, हमारे वर्क प्लेस पर आकर हमारे एम्प्लॉयर को बता रहे हैं कि हमने लोन पे नहीं किया। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि रिकवरी एजेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, आप पुलिस के पास कंप्लेंट करें। आपके पास राइट टू प्राइवेसी है, यानी कि आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो लोन आपको चुकाना है, आपके नेबर, आपके रिलेटिव भी आपके एम्प्लॉयर को वो पे ऑफ नहीं करना। और अगर कोई इस तरीके से करता है तो आप उनके अगेंस्ट डिफेमेशन का सूट भी फाइल कर सकते हैं और कोर्ट में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।